जी देखिए, आज मैं अपने से खाना बना रहा हूँ नए स्टाइल में। ये दाल चढ़ा दिया हूँ, दाल बन रहा है और अब चावल बनाऊंगा। दाल बनने के बाद, दाल पकने के बाद तो देखिए कैसा लगता है अपने से हाथ का बना हुआ खाना। तो गैस ये दाल बन गया है और अभी मैं दाल उतार रहा हूँ। ये देखिए ये दाल है और अब मैं इसको खोलूंगा। ये दाल बन गया है, कैसा बना है? वो दिखाते हैं। और अब ये देखिए चावल बन रहा है। और ये गाइस, चावल बनाने के लिए मैंने तेल डाला है और कैसा बनेगा ये हाथ देखिए। सब लेके तेल डाल रहा हूँ चावल में, चावल बनाने के लिए। तो अब इसमें डाल रहा हूँ जीरा। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ प्याज। ये मिर्ची डाल दिया और प्याज भी, और ये इसको चलाना पड़ता है। देखिए ब्राउन जब हो जाएगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा, तब इसमें आलू डालूंगा। अभी हुआ नहीं है, ठीक है। और ये दाल बन गई है। और ये देखिए लाल हो गया, ब्राउन हो गया, कुछ ज्यादा लाल हो गया, फ्लेम तेज कर दिया था इसलिए। अब ये देखिए इसमें धनिया मसाला डाल रहा हूँ, धनिया पाउडर। और थोड़ा सा ये मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा, और बस हो गया ये। तैयार होने वाला है मतलब ये फ्राई। और इसमें अब डालूंगा थोड़ा सा हल्दी, वो हल्दी रख दिया। और ये बना गया है और ये है चावल। अब इसमें चावल डाल रहा हूँ। ये बनने के लिए रेडी है, इसको ढक देता हूँ। ये देखिए कि अब चावल फ्राई, भेज फ्राई, चावल बिरयानी मतलब भेज फ्राई अपने स्टाइल से बना रहा हूँ। और ये देखिए अब बनने के लिए रेडी है, कुछ देर में बन के तैयार हो जाएगा, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कैसा बना है, ठीक है।
अब ये देखिए हो गया है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। कैसा बना है कुछ देर के बाद पता चलेगा। तो गाइस ये आज का मेरा कैसा बना है भेज चावल फ्राई आलू आलू प्याज भेज चावल फ्राई अपने स्टाइल का कैसा बना है वो देखने के बाद पता चलेगा। आप सभी को अभी कुछ ही देर में दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये कुकर ठंडा हो रहा है तो जो इसका इसके भीतर का गैस है वो ठंडा हो जाता है, तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए अभी खोल रहे हैं, ये माँ खोल रही है कुकर। ये देखिए ये बन गया भेज बिरयानी आलू प्याज वाला। और ये देखे माँ ने आलू काटी है प्याज काटी है और मैं फ्राई किया हूँ उसको, भूजा हूँ फ्राई किया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको खोलते हैं, मतलब खुल गया और खाने के बाद पता चलेगा कैसा है थाली में डालने के बाद। ये देखिए कैसा है वो खाने के बाद पता चलेगा। भाप निकल रहा है बहुत, अभी गर्म है। ये दिख रहा है आलू प्याज फ्राई किया हुआ दिख रहा है चावल के साथ, और इधर दाल बन के रेडी है। दाल को भी प्याज से फ्राई कर दिया हूँ, खाने के बाद पता चलेगा। तो गैस ये बन गया है रेडी और अभी मैं खाने वाला हूँ इस भेज फ्राई आलू प्याज वाला भेज फ्राई को, तो देखते हैं कैसा टेस्ट देता है, अभी खा करके पता चलेगा। ये दाल है फ्राई किया हुआ और ये चावल आलू प्याज वाला फ्राई किया हुआ। आलू प्याज का पहले फ्राई कर दिया हूँ और उसमें चावल डाल के हल्दी धनिया मसाला सब डाल करके बनाया हूँ, ठीक है। ऐसा आप भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो गाइस ये बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है, ऐसा आप भी बना करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगा है। ये देखिए अभी मैं खा रहा हूं और बहुत ही टेस्टी है। केहन लगलो? दाल दल ही दाल निक लगलो? तो गैज आज अपने हाथ से बना हुआ खाना खाया, बहुत मजा आया। हाँ भेज फ्राई राइस भेज फ्राई आलू प्याज के साथ, तो बहुत ही मजा आया है। ऐसा खाना होटल में नहीं मिलता है और ऐसा ही मैं पहले बनाता था, कभी बहुत वर्षों के बाद बनाया तो मजा आ गया। दाल फ्राई और आलू प्याज के साथ राइस भेज फ्राई, आलू प्याज भी फ्राई उसमें किया हूँ। मतलब इसको हम लोग मतलब कैंपस में कॉलेज में बोलते थे भेजा फ्राई, लड़का सब बोलता था दिल्ली में भेजा फ्राई, लेकिन ये भेज फ्राई है राइस भेज फ्राई आलू प्याज के साथ। तो दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और घंटा का जो बटन है उसको दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। और ये ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।